मेरे लिए ना काफ़ी मस्त हो गया है क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट पॉइंट सितारगंज में भी खुल गया है। तो स्मार्ट पॉइंट में आने से ज़्यादा खुशी मेरे बच्चे को होती है क्योंकि ये इस ट्रॉली में बैठ के पूरा मार्ट घूमता है और इसको बहुत मज़ा आता है, और जब हम इसके अंदर सामान रखते हैं तो इसको और भी मज़ा आता है। तो ये बहुत, देखो इसकी, इसका फेस देखो, इतना फ़नी फेस है ना कि क्या ही बोलूँ। तो अभी मैं देख रही हूँ कि क्या क्या लेना है मुझे, क्योंकि काफ़ी सारे सामान लेने हैं। अब मुझे यहाँ से लेना है थोड़ा बासमती राइस, और यहाँ पे आने का मकसद ये होता है कि जैसे कि हम ना मार्केट में साथ में जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे ना पूरा साथ में लेके आ सकते हैं जिससे कि हम चॉइस कर सकते हैं। और यहाँ पे ना एक पोस्तो है, तो ये पोस्तो मैंने कभी टेस्ट ही नहीं किया है। सबसे ज़्यादा ये ना कोलकाता में यूज़ होता है पोस्तो, तो फिर मैंने कभी खाया ही नहीं है पोस्तो। और ये किस किस चीज़ में ऐड होता है वो भी नहीं पता मुझे, सिर्फ एक ही पता है आलू पोस्तो। तो मैं अपने पति से पूछ रही थी कि ये पोस्तो किस किस में लगता है, मुझे पता नहीं है गाइज, प्लीज़ इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा कि पोस्तो किस किस में डलता है। तो मैंने सब लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि काफ़ी कुछ में डलता है, नॉन वेज में डलता है। तो फिर मैंने कहा मुझे नहीं आता है बनाना और इसका टेस्ट क्या होगा पता नहीं, तो फिर मैंने लिया नहीं उसको। और यहाँ देखो मेरा भाई और ये लोग पता नहीं क्या क्या है, क्या क्या ले रहे हैं, बस ये लोग दिखा रहे हैं, ये लोग लेंगे कुछ नहीं। तो फिर मेरे को लेना है ग्रॉसरी का काफ़ी सारा सामान क्योंकि ख़त्म हो गया था। और एक ये डिओड्रेंट है, तो मुझे ना ये वाला डिओड्रेंट लेना था, काफ़ी अच्छा फ्रेगनेंस दे रहा था और ये ना बॉडी में काफ़ी टाइम रहता भी है। और मैंने पहले वाला जो लिया था ना इंगेज का, वो एकदम बेकार था। तो इधर हम लोगों ने सर्फी ले लिया है क्योंकि वो हमें डेली यूज़ में चाहिए होता है और मैं डेली कपड़े धोती हूँ माधव का, तो इसलिए हम लोगों ने 5 किलो वाला ले लिया है। तो मैंने क्या क्या लिया है वो तो नया एक अलग वीडियो आ ही जाएगा। तो ये मुझे एक स्क्रब लेना था, यहाँ के स्क्रब ना काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब काफ़ी मतलब ख़राब नहीं होते हैं जल्दी। और मैं अपने भाई को बोल रही थी कि देखो ये इरेज़र है, हमारे टाइम में क्यों नहीं था इतने अच्छे अच्छे, या फिर था लेकिन हमें नहीं पता था, कुछ तो है लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। तो फिर हम लोगों ने एक साबुन रखने वाला भी लिया क्योंकि साबुन रखने वाला ना टूट गया है। और यहाँ पे ना मकेन भी था, तो अभी देखता है कि क्या है। और मैं बोल रही थी मकेन लेना है, और यहाँ से मुझे ना जार लेना है प्रियतम के प्रसाद के लिए, भोग के लिए। तो उसके पास मतलब कंटेनर है, लेकिन फिर भी मुझे ना भोग के लिए अलग अलग चाहिए। और मैं अपने पति को बोली थी मैं ये ले लूँ क्या, तो उन्होंने बोला क्या करोगे इसका, तो मैंने बोला छोका लगाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास देसी जुगाड़ है ना, उतना मत सोचो। तो फिर मैंने लिया नहीं। और घर आए, घर आके फिर हम लोगों ने मटर छीला, मटर छीलने के बाद फिर हमें बनाना है खाना क्योंकि बहुत भूख लग गई है, बाहर हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। तो माधव मेरा हेल्प करके दे रहा था, मटर देखो जो जब नीचे गिर जा रहा था ना, वो सारे मटर उठा के कटोरी में रख रहा था। और